हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट स्पंज केक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो आज हम गैस पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 किलो नमक ले लिए लगभग, और एक बड़े से टोप में हमने रख दिए और इसे प्री हीट करने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें जो चॉकलेट स्पंज केक के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कोको पाउडर लिए, ये डार्क वाला कोको पाउडर है। इसके पहले मैंने जो लाई थी वो लाइट था, तो ये जो डार्क वाला है 150 रुपये का पाव किलो है। और हमें यहाँ पे जो कोको पाउडर चाहिए होगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मैदा, शक्कर और देख सकते हैं सोडा। तो ये सादा सोडा है, आप चाहे तो जैसे स्प्राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमका का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा, कलरलेस होना चाहिए तो आप इनका चीज़ ये चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रहेगा कलरलेस रहेगा। और जैसे हम केक बना रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि ओवन ही चाहिए, ओवन के बिना भी आपका काम आसानी से चल जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि आपको ओवन चाहिए। तो मैं ओवन में भी बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी ओवन का भी, पर ये केक के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम 1 केजी का जो है केक बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 3 अंडे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हाफ हाफ के जी का बना रहे तो आप 1 अंडा भी ले सकते हैं, और 2 अंडा लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो 3 अंडा हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये किचन स्केल, हम किचन स्केल का इस्तेमाल करेंगे वेट करके हम जो केक बनाएंगे। तो मैम ने जो हमें केक जो वेट करके ही बताया, जैसे आप बोले कि आप जैसे कब से भी कर सकते हैं, पर ये जो ज़्यादा बेस्ट रहेगा वेट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मशीन ऑन कर दी हूँ और इस जो इसको रख दी हूँ मैंने यहाँ पे, और इसको जो हम टेयर कर देंगे तो जिसका वेट है वो गायब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने टेयर कर दी, अब इसका वेट नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे जो 1 केजी के लिए जो है 100 ग्राम मैदा लेना है। तो आप चाहिए तो लिख के ले सकते हैं, और बहुत ही सही में बहुत ही परफेक्ट बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं बना रही हूँ, 100 ग्राम मैंने यहाँ पर मैदा ले ली हूँ और इसे हम साइड में रख देंगे छान के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने देखो मैंने छान ली हूँ। और यहाँ पे अब हम लेंगे 100 ग्राम शक्कर। जब आपने मैदा लिए 100 ग्राम तो आपको शक्कर भी लेना है 100 ग्राम। फिर यहाँ पे मैंने शक्कर को एक अलग से रख ली हूँ, क्योंकि शक्कर हमें अलग से बीट करने के लिए काम में आएगा जब हम बीट करेंगे, और मैदे को हमें बीट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम मैदे में अभी हम डाल रहे हैं कोको पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ली हूँ और इस तरीके से छान ली हूँ मैंने। तो आप देख सकते हैं 2 टेबलस्पून हमें 1 किलो में 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालना है। और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाली, और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून मैंने जो है सोडा डाली, पाउडर, बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे हम जो 3 अंडा ले लिए और उसका जो वाइट पार्ट है उसको एक बड़े से बाउल में ले लिए, और जो योक था येलो पार्ट उसको अलग कर दिए। फिर यहाँ पे हम वाइट जो पार्ट है उसको बीट कर लेंगे, और इतना बीट करना है कि एकदम फ्लफी बन जाए, हमें इतना बीट करना है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मैंने जो बीटर ली थी, इसके पहले मैं आपको उसका रेट बता चुकी हूँ। तो मुझे काफ़ी, मतलब अभी मैंने और रेट पता गई तो काफ़ी, मैंने एक शॉप में मुझे ये जो बीटर है 350 में बोला, और मैंने यही बीटर मैंने 600 में लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब मुझे काफ़ी महंगा मिला। तो फिर मैंने बीट कर ली, एकदम फ्लफी हो गया एग। फिर उसके बाद मैंने शक्कर डाल दी, शक्कर डालने के बाद फिर मैंने बीट करी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अंडा डाल दी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं वेनिला एसेंस डाल दूँगी वेनिला फ्लेवर में, फिर मैं इसे बीट करूँगी। फिर बीट करने के बाद हम यहाँ पे जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और मैदा था उसे हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 100 ml जो है सोडा ली हूँ, सादा सोडा। और हमें मैदे से शुरू करना है, मैदे पे ख़त्म करना है। जैसे हमने जो शक्कर और अंडा जो बीट करे थे उसमें हम थोड़ा सा मैदा जो कोको पाउडर का वो मिक्सचर है वो डालेंगे, फिर बेकिंग, फिर सोडा डालेंगे जो हमारा खाने का सोडा, पीने का सोडा था ना वाटर वाला। फिर इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सोडा, थोड़ा पानी, थोड़ा मैदा, ऐसा करके मैदे से शुरू करना है, मैदे पर ख़त्म करना है। फिर हम यहाँ पर जो है ग्रीस कर रहे हैं, और हमें मैदा जब डालेंगे हमें ज़रा भी बीट नहीं करना है, हमें जो है स्पून से बस मिक्स करना है। फिर यहाँ पे हमने ग्रीस कर लिया ऑयल, उसके बाद हमने इस तरीके से मैदा ले लिया और मैदे को साइड में रख लिए, मीन्स पूरा लगा दिए उसमें कंटेनर में और मोल्ड में। फिर उसके बाद हमने जो केक डाल दिए, और केक हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 25 से 30 मिनट में आपका केक जो है टोप में बनके तैयार हो जाएगा, काफ़ी अच्छा बनता है, काफ़ी देख सकते हैं आप जालीदार स्पंजी जो है हमारा केक तैयार हुआ है, और आपका 25 से 30 मिनट में आपका रेडी हो